वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे शब्द निर्माण पाठ। शब्द निर्माण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना के अवयव। शब्द रचना के अवयव में पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले मैं उपसर्ग के बारे में बताना चाहती हूँ उदाहरण के साथ। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ होता है वे शब्दांश अर्थात शब्द का अंश जो किसी शब्द के पहले लगकर या पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। आइए देखते हैं भीतर के अर्थ में
प्रयोग हुआ है। अंतर्मन अंतःपुर, तो यहाँ पर भी यहाँ पर ऊपर में रेफ लगा हुआ में वो विसर्ग में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम इससे शब्द बनाते हैं अंतः से, तो अंतःकरण अंतर्मन अंतःपुर जैसे शब्द बनते हैं। आगे है कु उपसर्ग से, इसमें बना है कुकर कुरु कुपुत्र। ये जो कु है शब्द ये पूरा के अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये सभी हम लोग देखे उपसर्ग से शब्द निर्माण कैसे किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय इसकी परिभाषा है, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो प्रत्यय है किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण हम लोग देखेंगे, इधर है प्रत्यय और इधर उनसे बने हुए शब्द हैं। जैसे यहाँ पर है अन प्रत्यय, तो इससे हम लोग शब्द यहाँ पर बनाएंगे चिंतन ढक्कन मक्खन। तो इसमें जो शब्द अंत में है वही प्रत्यय नहीं होता है, जो ध्वनि मुख से सुनाई पड़ती है वही उसका प्रत्यय बनता है। जैसे यहाँ पर अन प्रत्यय है तो यहाँ पर चिंतन ढक्कन मक्खन शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ रही है अन, तो यही उसका प्रत्यय है। आगे है आई प्रत्यय, इससे शब्द बना है लिखाई कमाई भलाई। तो इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लिखाई यहाँ पर लिख जोड़ आई, तो यहाँ पर आई की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो इन शब्दों में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे है आओ प्रत्यय से शब्द बना है कमाओ टिकाओ बिकाओ, तो यहाँ पर आओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है इन शब्दों में। आगे है आवट प्रत्यय, शब्द बना है लिखावट बनावट कड़वाहट, तो लिखावट में आवट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, बनावट आवट ध्वनि कड़वाहट आवट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। आगे है एरा प्रत्यय से शब्द बना है चकेरा ममेरा उकेरा। आगे है इत प्रत्यय से पुष्पित शोभित आनंदित, तो यहाँ पर पुष्पित में इत प्रत्यय है शोभित में इत प्रत्यय है आनंदित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है निय प्रत्यय, इसमें दर्शनीय गोपनीय आदरणीय, तो यहाँ पर निय प्रत्यय सुनाई पड़ता है दर्शनीय गोपनीय आदरणीय, तो ये है निय प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आगे है मान प्रत्यय से गाड़ीवान दयावान धनवान, तो यहाँ पर मान प्रत्यय ये जो प्रत्यय है शब्द के अंत में लगा हुआ है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर और भी प्रत्यय है, इनसे आप शब्द बना सकते हो, जैसे आना प्रत्यय आनी प्रत्यय ई प्रत्यय ईना प्रत्यय एरा प्रत्यय ईना प्रत्यय कार प्रत्यय आओ प्रत्यय ए प्रत्यय इक प्रत्यय और आस प्रत्यय। तो आज हम लोग देखें ये शब्द रचना के अवयव, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पाठ पढ़े। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। उसी तरह जो प्रत्यय है ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ये जो शब्द